नमस्कार, आज हम चर्चा करेंगे हमारी एनसीईआरटी की रसायन विज्ञान की कक्षा 11 के लिए जो पाठ्य पुस्तक है भाग 2 उसकी अध्याय संख्या 8 रेडॉक्स अभिक्रियाओं के बारे में। रेडॉक्स अभिक्रियाएं, जैसा कि हम अपनी पूर्ववर्ती कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं कि रेडॉक्स अभिक्रियाएं किनको कहते हैं, आज हम रेडॉक्स अभिक्रियाओं के बारे में जानेंगे कि रेडॉक्स अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण और अपचयन को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन कितने प्रकार के होते हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन में हम लोग अभिकारकों को कैसे पहचान सकते हैं कि किस अभिकारक का ऑक्सीकरण हो रहा है और किस अभिकारक का अपचयन हो रहा है। ऑक्सीकरण और अपचयन की हम लोग अलग अलग अवधारणाओं के बारे में आज जानेंगे और इन्हीं के साथ हम लोग ऑक्सीकरण अंक निकालना जानेंगे कि किसी भी यौगिक में अगर हमारे पास कोई परमाणु दे दिया गया है तो उस परमाणु का ऑक्सीकरण अंक हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। आइए अब हम ऑक्सीकरण और अपचयन में अंतर को देखते हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होने वाली अभिक्रियाएं होती हैं। यदि एक में ऑक्सीकरण हो रहा है तो दूसरे में क्या होगा, अपचयन होगा। अब इन दोनों में अंतर हम लोग कुछ उदाहरणों की सहायता से समझते हैं। जैसे पहला हमारा उदाहरण है कि ऑक्सीजन का जुड़ जाना। अगर किसी भी तत्व में या यौगिक में ऑक्सीकरण जुड़ती है तो उसे हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर रहा है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। यहाँ पर मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो रहा है, जबकि इसका विपरीत ऑक्सीजन का निकल जाना, ऑक्सीजन का निकल जाना उसे हम लोग बोलते हैं अपचयन। HGU है, इसमें हम लोग जब इसको गर्म करते हैं तो इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि HGO में मरकरी का अपचयन हुआ है क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन बाहर निकली है। हाइड्रोजन का बाहर निकल जाना यह ऑक्सीकरण कहलाता है। जब भी हाइड्रोजन बाहर निकलेगी हम उसे बोलेंगे ऑक्सीकरण। H2S है, ऑक्सीजन के साथ में जब हम लोगों ने उसका क्रिया करवाई तो वहाँ वो सल्फर में चेंज हो गया, सल्फर में बदल गया, यानी H2S में से हाइड्रोजन बाहर निकल गई और वो सल्फर में बदल गया, तो हम लोग कह सकते हैं कि H2S का हमारे पास ऑक्सीकरण हुआ है। इसका विपरीत हाइड्रोजन का जुड़ जाना, उसे हम लोग बोलते हैं अपचयन। जैसे असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों का हाइड्रोजनीकरण, ये एक असंतृप्त यौगिक है हमारे पास में एथीन, जब हम लोग इसकी हाइड्रोजन के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो हमारे पास एथेन बनती है। एथेन का बन जाना यह दर्शा रहा है कि हमारे जो असंतृप्त यौगिक था एथीन उसका अपचयन हुआ है क्योंकि हाइड्रोजन गैस वहाँ पर जुड़ गई है। इसी प्रकार जैसे हमारे पास ऑक्सीजन विद्युत ऋणी तत्व होता है, अगर ऑक्सीजन के अतिरिक्त कोई और विद्युत ऋणी तत्व है अगर वो भी जुड़ता है तो उसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण कहते हैं। मैग्नीशियम फ्लोरीन के साथ जो सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व होता है जब उसके साथ जुड़ जाता है तो हम लोग कहते हैं कि मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्सीकृत हो गया है। इसके विपरीत यदि कोई विद्युत ऋणात्मक तत्व है जो बाहर निकलता है तो उसे हम लोग बोलेंगे अपचयन। जैसे फेरिक क्लोराइड में से क्लोरीन का बाहर निकल जाना क्या हो गया हमारे पास में, अपचयन हो गया है, फेरिक क्लोराइड का अपचयन हुआ है। इसी प्रकार किसी विद्युत धनात्मक तत्व का बाहर निकल जाना ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट सेकंड, इसमें से पोटेशियम बाहर निकल गया है, इस पोटेशियम का बाहर निकल जाना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। इसके विपरीत किसी विद्युत धनात्मक तत्व का जुड़ जाना अपचयन कहलाता है। जैसे मरकरी क्लोराइड है, उसकी अभिक्रिया हम लोग टिन क्लोराइड के साथ करवा रहे हैं तो वो बदल गया है हमारे पास में HG2Cl2, मर्क्यूरस क्लोराइड में बदल गया है। यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ है कि मरकरी का योग हो गया है। मरकरी क्या है, विद्युत धनात्मक तत्व है, विद्युत धनात्मक तत्व का जुड़ जाना अपचयन कहलाता है। इसी प्रकार क्या होता है कि ऑक्सीकरण और अपचयन जो अभिक्रियाएं हैं वो दोनों हमेशा एक साथ होती हैं। अब ऑक्सीकरण और अपचयन में हम लोग अंतर इस उदाहरण की सहायता से अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। अब कोई अभिक्रिया है, इसमें हमें पहचान करनी है कि किसका ऑक्सीकरण हुआ है और किसका अपचयन हुआ है। अभिक्रिया क्या है हमारे पास में, H2S है, क्लोरीन के साथ में अभिक्रिया कर रहा है, वो किस में बदल रहे हैं, HCl में और सल्फर में बदल रहे हैं। तब देखिए H2S था वो हमारे पास किस में बदल गया, सल्फर में चेंज हो गया है,
ऑक्सीकरण और अपचयन पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि हमें उन तत्वों को देखना है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा होते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा तत्व हमारे पास सल्फर और क्लोरीन है। तो हम लोगों ने देखा कि सल्फर हमारे पास में क्रियाकारक की तरफ में H2S के फॉर्म में प्रेजेंट था, और जबकि उत्पाद की तरफ में वो सल्फर के रूप में प्रस्तुत है। इसका मतलब क्या हुआ कि H2S से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई, और हाइड्रोजन गैस का बाहर निकल जाना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। इसका अर्थ हुआ कि H2S का ऑक्सीकरण हुआ है। तो क्लोरीन का क्या हुआ है, फिर अपचयन हुआ है, क्योंकि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं दोनों एक साथ होती हैं। यदि एक का ऑक्सीकरण होता है तो दूसरे का अपचयन होना निश्चित है। तो हम लोग क्लोरीन का अपचयन और H2S का ऑक्सीकरण हुआ ये बता सकते हैं इस अभिक्रिया के बारे में बड़ी ही आसानी से। अब ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं को इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के संदर्भ में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के संदर्भ में ऑक्सीकरण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकल जाना किसी भी तत्व से या परमाणु से या यौगिक से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकल जाना, उसे हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। इसके विपरीत अपचयन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जुड़ जाना। किसी भी तत्व या परमाणु या यौगिक में जब भी इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो उसे अपचयन कहते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप सोडियम ने दो इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दिया है, यह ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। तो यहाँ हमारे पास में सोडियम का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। क्लोरीन है, क्लोरीन ने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया और वो क्लोराइड आयन में परिवर्तित हो गया। इलेक्ट्रॉनों का जुड़ जाना क्या कहलाएगा, अपचयन। तो इस उदाहरण में क्या हुआ है, हमारे पास में सोडियम का ऑक्सीकरण हुआ है और क्लोरीन गैस का क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। जिस प्रकार अभिक्रियाएं हमारे पास ऑक्सीकरण और अपचयन दो भागों में विभाजित है, उसी प्रकार हम लोग अभिक्रमकों को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, ऑक्सीकारक अभिक्रमक तथा अपचायक अभिक्रमक। ऑक्सीकारक अभिक्रमक वह होता है जिसका स्वयं का अपचयन होता है लेकिन दूसरे का ऑक्सीकरण कर देता है, उसे ऑक्सीकारक अभिक्रमक कहते हैं। इसके विपरीत अपचायक अभिक्रमक, अपचायक अभिक्रमक जिसका स्वयं का ऑक्सीकरण होता है लेकिन वह दूसरे का अपचयन करता है, इसलिए उसे अपचायक अभिक्रमक कहा जाता है। ऑक्सीकरण संख्या, अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि किसी भी यौगिक में हम लोग किसी दिए गए तत्व की ऑक्सीकरण संख्या को कैसे जान सकते हैं, कैसे हम लोग उसकी गणना कर सकते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। किसी यौगिक में किसी तत्व का ऑक्सीकरण संख्या एक विशिष्ट आवेश होता है जो कुछ नियमों के समूह के अनुसार निर्धारित किया जाता है। एक सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉन युग्म पूरी तरह से अधिक विद्युतीय तत्व से संबंधित होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन युग्म होता है हमारे पास, वो अधिक विद्युत ऋणी के पास में होता है और विद्युत धनी तत्व से थोड़ा दूर होता है। तो कुछ नियमों के आधार पर हम लोग ऑक्सीकरण संख्या का निर्धारण करेंगे। ऑक्सीकरण संख्या को जानने के लिए एक हमारे पास बहुत ही सरल सूत्र है। इस सूत्र के अनुसार ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है कि संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संयोजकता कोश का अर्थ है सबसे बाहर वाला कोश जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, उसे हम लोग संयोजकता कोश कहते हैं। संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस विद्युत ऋणात्मकता की अवधारणा के अनुसार इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसको कुछ उदाहरणों की सहायता से समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। जैसे हमारे पास प्रथम उदाहरण है हाइड्रोजन का, H2 का। हाइड्रोजन के संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन से ही बंध बनाया हुआ है, तो दोनों की विद्युत ऋणता में कोई भी अंतर नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। तो ये दो इलेक्ट्रॉन है, ये बिल्कुल बीचों बीच इनके रहेंगे। तो जब हम लोग एक में से एक को घटाएंगे तो हमारे पास आएगा शून्य। अगला उदाहरण जैसे H2O, H2O में हम जब देखेंगे कि हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंग कितना आता है। हाइड्रोजन के संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है एक, एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एकल बंध बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों की अपेक्षा ऑक्सीजन की विद्युत
ऋणात्मकता अधिक होने के कारण बंद के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास होते हैं और हाइड्रोजन से दूर होते हैं, इसलिए हम लोगों ने एक में से शून्य को घटा दिया है। जब हम लोग एक में से शून्य को घटाएंगे तो हमारे पास उत्तर आता है एक। हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक हमारे पास यहाँ पर एक है। अगला उदाहरण हमारे पास में BeH2, बेरिलियम हाइड्राइड। हाइड्रोजन के संयुक्ता कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारे पास में एक। बेरिलियम और हाइड्रोजन इन दोनों को जब हम लोग देखते हैं तो हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता बेरिलियम से अधिक होती है, इसलिए इस संयुक्ता कोष के इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के अधिक पास होंगे। एक बंद में दो इलेक्ट्रॉन है, एक बंद में दो इलेक्ट्रॉन होने से हम लोग एक में से दो को घटाएंगे। जब हम लोग एक में से दो को घटाते हैं तो हमारे पास उत्तर आता है -1, अर्थात यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या -1 है। तो तीन उदाहरण हम लोगों ने देखे जहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक शून्य भी है, धनात्मक भी है तथा ऋणात्मक भी है। एक यौगिक या आयन में ये याद रखना आसान नहीं है कि कौन सा तत्व दूसरे की तुलना में अधिक विद्युत धनी है या ऋणी है, इसलिए एक यौगिक या आयन में किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या को निर्धारित करने के लिए कुछ नियमों को तैयार किया गया है। उन नियमों के आधार पर हम लोग किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या को ज्ञात करते हैं। यदि किसी तत्व के दो या दो से अधिक परमाणु अणु या आयन में मौजूद हों तो उस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या उस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या का औसत होती है। जैसे हमारे पास इस एग्जाम्पल में क्या है, दो सल्फर के परमाणु उपस्थित है। यदि हम लोग नियमों के आधार पर सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं तो वह औसत आएगी, दोनों सल्फर परमाणुओं की औसत ऑक्सीकरण संख्या होती है। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे डाइक्रोमेट आयन है, डाइक्रोमेट आयन में क्रोमियम परमाणु है, उसकी औसत ऑक्सीकरण संख्या निकल करके हमारे पास में आती है। ऑक्सीकरण संख्या की गणना के लिए अब हम लोग नियमों की चर्चा करते हैं। तत्वों में मुक्त अवस्था में प्रत्येक परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या शून्य होती है। मुक्त अवस्था का अर्थ है कि वह परमाणु अवस्था में है या अणु अवस्था में है, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं है। जैसे हाइड्रोजन अणु, ऑक्सीजन अणु, क्लोरीन अणु, ऑक्सीजन तत्व ओजोन गैस के रूप में, फास्फोरस तत्व P4 अणु के रूप में, सल्फर तत्व S8 अणु के रूप में, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ये धातुएं होती हैं और ये परमाणु अवस्था में उपस्थित होती हैं। तो इस अवस्था में इन सभी की ऑक्सीकरण संख्या शून्य मानी जाती है। एक परमाणु आयन के लिए ऑक्सीकरण संख्या आयन पर आवेश के बराबर होती है। परमाणु पर जितना आवेश होता है वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है। जैसे Na+ आयन सोडियम आयन की ऑक्सीकरण संख्या +1 है, मैग्नीशियम आयन की ऑक्सीकरण संख्या +2 है, Fe3 आयन की ऑक्सीकरण संख्या +3 है, क्लोरीन आयन की ऑक्सीकरण संख्या -1 है तथा O2- आयन की ऑक्सीकरण संख्या -2 है। सभी क्षार धातुओं की उनके यौगिकों में ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है तथा सभी क्षार मृदा धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या +2 होती है। क्षार धातुएं आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग में आती हैं तथा क्षारीय मृदा धातुएं आवर्त सारणी के द्वितीय वर्ग में आती हैं। एल्यूमिनियम की अधिकांश यौगिकों में उसकी ऑक्सीकरण संख्या +3 होती है। सिर्फ गैसीय अवस्था में एल्यूमिनियम +1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। अधिकांश यौगिकों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या ऋणात्मक 2 होती है। अपवाद स्वरूप कुछ यौगिकों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या ऋणात्मक 2 के स्थान पर अन्य संख्याएं भी हो सकती हैं। जैसे परोक्साइड की उपस्थिति में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या ऋणात्मक 1 होती है। परोक्साइड में ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ में बंध बना के रखते हैं। सुपरऑक्साइड की स्थिति में प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या ऋणात्मक 1/2 होती है, यानी ऋणात्मक 0.5 ऑक्सीकरण संख्या होती है। जब ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ में बंध बना के रखती है तब ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा धनात्मक होती है, क्योंकि
फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व होता है। ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक 2 होती है, जबकि डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक 1 होती है। हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक 1 होती है जब हाइड्रोजन धातुओं के साथ हाइड्राइड के रूप में बंद बना के रहती है, तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या ऋणात्मक 1 होती है, जैसे लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड। इस स्थिति में इनकी ऑक्सीकरण संख्या ऋणात्मक 1 होती है। फ्लोरीन की सभी यौगिकों में ऋणात्मक 1 ऑक्सीकरण संख्या होती है। अन्य हैलोजन जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या ऋणात्मक तथा धनात्मक दोनों हो सकती है, वो निर्भर करता है कि उन्होंने बंद किसके साथ बनाया हुआ है। किसी यौगिक में सभी परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं का बीजगणितीय योग हमेशा शून्य होता है। बहुपरमाणुक आयन में आयन के परमाणुओं की सभी ऑक्सीकरण संख्याओं का बीजगणितीय योग हमेशा आयन पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। जैसे कार्बोनेट आयन में कार्बोनेट आयन पर ऋणात्मक 2 आवेश होता है, अर्थात कार्बन तथा ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्याओं का बीजगणितीय योग ऋणात्मक 2 होना चाहिए। ऑक्सीकरण संख्या के परिवर्तन के संदर्भ में ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषाएं। यदि किसी तत्व में ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है, तो हम कहते हैं कि उस तत्व का ऑक्सीकरण हो रहा है। यदि किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है, तो हम कहते हैं कि उस तत्व का अपचयन हो रहा है। अतः रिडॉक्स अभिक्रियाएं वह अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याओं में परिवर्तन होता है। आइए कुछ उदाहरणों की सहायता से हम लोग ऑक्सीकरण अंक निकालना देखते हैं। जैसे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 में हमें क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक निकालना है। पोटेशियम जो कि वर्ग संख्या 1 का तत्व है, उसका ऑक्सीकरण अंक धनात्मक 1 होता है, तो 2+1 से हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रोमियम जिसका ऑक्सीकरण अंक हमें निकालना है, मान लिया कि उसका ऑक्सीकरण अंक है x, तो 2 क्रोमियम उपस्थित है इसलिए 2x। 7 हमारे पास में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक -2 होता है, इसलिए 7 × -2। क्रोमियम पोटेशियम डाइक्रोमेट एक हमारे पास में उदासीन यौगिक है, इसलिए इन सब परमाणुओं का ऑक्सीकरण अंक का बीजगणितीय योग 0 होगा। अगर इस समीकरण को हम लोग सरल करते हैं, तो हम लोग प्राप्त करते हैं कि हमारे पास क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक धनात्मक 6 आता है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फर का ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना है। मान लिया कि सल्फर का ऑक्सीकरण अंक x है, 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक धनात्मक 1 होता है, 4 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक ऋणात्मक 2 होता है, इन सब का बीजगणितीय योग 0 होगा। इस समीकरण को हम लोग x के लिए सरल करते हैं, तो x का मान हमें धनात्मक 6 प्राप्त होता है, अर्थात सल्फर का ऑक्सीकरण अंक धनात्मक 6 है। अब एक विशेष उदाहरण हम लोग देखते हैं, जहां पर कि हमारे पास उदाहरण है Fe3O4। इसमें हमें आयरन का ऑक्सीकरण अंक निकालना है। आयरन के 3 परमाणु उपस्थित हैं, मान लिया कि आयरन का ऑक्सीकरण अंक x है, तो 3x। ऑक्सीजन के 4 परमाणु उपस्थित हैं, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अंक -2 होता है, तो 4 × −2। इन सब का बीजगणितीय योग 0 होगा। इस समीकरण को x के लिए जब हम सरल करते हैं, तो हम पाते हैं कि x का मान धनात्मक 8/3 है, यानी हमें
ऑक्सीकरण अंक यहाँ भिन्नात्मक रूप से प्राप्त हो रहा है। भिन्नात्मक रूप से जब भी ऑक्सीकरण अंक प्राप्त हो तो हमें यह समझना चाहिए कि यहाँ पर आयरन अलग अलग प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाओं में उपस्थित होता है। Fe3O4 की वास्तविक संरचना इस प्रकार होती है, वह Fe2O3 तथा FeO के रूप में उपस्थित होता है। जब हम इस यौगिक में आयरन की अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं तो देखते हैं कि Fe2O3 में हमारे पास आयरन का ऑक्सीकरण अंक धनात्मक 3 प्राप्त होता है, जबकि FeO में हमारे पास में आयरन का ऑक्सीकरण अंक धनात्मक 2 प्राप्त होता है। यहाँ पर इस उदाहरण में आयरन हमारे पास दो तरह की ऑक्सीकरण अवस्थाओं में उपस्थित है, धनात्मक 2 तथा धनात्मक 3। जब हम लोग तीनों परमाणुओं की ऑक्सीकरण अवस्था को एक साथ निकालते हैं तो हमें औसत ऑक्सीकरण संख्या प्राप्त होती है। वह औसत ऑक्सीकरण संख्या भिन्नात्मक रूप से भी प्राप्त हो सकती है, जैसे इस उदाहरण में हमें प्राप्त हुई। आज हमने रिडॉक्स अभिक्रियाओं के अध्याय में ऑक्सीकरण तथा अपचयन में अंतर को जाना, जिसके लिए हम लोगों ने विभिन्न विभिन्न परिभाषाओं का प्रयोग करके देखा कि ऑक्सीकरण और अपचयन में क्या क्या अंतर होते हैं, तथा हमने ऑक्सीकरण अंक निकालना सीखा। विभिन्न उदाहरणों की सहायता से हम लोगों ने देखा कि ऑक्सीकरण अंक किसी दिए गए यौगिक में किसी तत्व का किस प्रकार से निकाला जा सकता है। इस अध्याय के अगले भाग में हम लोग ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाओं को किस प्रकार संतुलित किया जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।